हम ये है कि जी बहुत गरीब आदमी है, इसको कुछ अथी नहीं है, बहुत गरीब है, इसके जैसा गरीब हम समझते हैं कि जी इस पूरे भागलपुर में नहीं होगा। मेरी मार कोई हालात में नहीं, गंभीर हालत में, कहीं इलाज हो जाए, घरे में इलाज हो जाए तो अच्छा है। भागलपुर में एक लाचार बेटा अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा है। भागलपुर के गोलाघाट निवासी जद्दू की माँ गंभीर रूप से बीमार है। जद्दू के पास खाने तक के अनाज नहीं है और ना ही रुपये हैं। मेरी माँ कोई हालात में गंभीर हालत में है, कहीं इलाज हो जाए, घरे में इलाज हो जाए तो अच्छा है। मायागंज भी नहीं लिया, क्या बोला? मायागंज नहीं गच्छा, पटना रेफर कर दिया। कैसे जाइएगा? जाए कोई साधन नहीं है, बने पैसा का ये है, बहुत गंभीर हालत है। क्या चाहते हैं? कहीं हेल्प मिल जाए, कैसे ठीक हो जाए बस। ये है कि जी बहुत गरीब आदमी है, इसको कुछ अथी नहीं है, बहुत गरीब है, इसके जैसा गरीब हम समझते हैं कि जो इस पूरे भागलपुर में नहीं होगा। समाज के युवाओं ने बिमला देवी को मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया तो उन्हें कैंसर पीड़ित बताकर महावीर कैंसर संस्थान पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन ना पैसे और ना कागजात होने की वजह से वो पटना नहीं जा पाया है। इस वक्त हम मौजूद है भागलपुर के गोलाघाट मोहल्ले में। यहाँ एक ऐसी महिला है जो पूरी तरह से निर्धन है और अस्पताल ने उन्हें कैंसर पीड़ित बता दिया है। बकायदा उन्हें मायागंज अस्पताल से महावीर कैंसर संस्थान पटना रेफर कर दिया गया है, लेकिन इनके पास ना तो उतने पैसे हैं, ना ही कोई कागजात हैं जो ये पटना जा सके। ऐसे में समाज के कुछ लोग इनके तक भोजन पहुंचा पाते हैं या फिर जो भी है दवाई की व्यवस्था यहाँ तक करते हैं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कहीं बाहर निकलने पर ही होगा, पटना या फिर मुंबई जाने से ही होगा। पटना रेफर किया गया है, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कैमरे के जो हम दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, स्थिति काफ़ी भयावह है। कैंसर हुआ है इनको और दर्दनाक स्थिति है। घर की स्थिति ऐसी है कि इनको एक वक्त की भोजन नहीं मिल पा रही है। सामाजिक संस्था और मोहल्ले के लोग आकर यहाँ पर भोजन कराते हैं। मोहल्ले के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या हुआ है इनको और किस तरह से आप लोग इनकी मदद कर रहे हैं और क्या मदद चाहिए है। देखिए, ये इन्हें पहले 6-7 महीने पहले छोटा सा घुड़ा हुआ था और फिर इन्होंने इधर हाल फिलहाल में मायागंज गया था और मायागंज जाने के बाद इन्हें डॉक्टर ने बोला है कि कैंसर हो गया है। फिलहाल इन्हें महावीर कैंसर सेंटर है पटना, वहाँ रेफर कर दिया गया है। इनके पास पैसा नहीं है, ना जाने का कुछ है साधन है, इसके पास इतना, ये इतना शिक्षित भी नहीं है कि ये खुद से कुछ कर सके। तो मैं बस यही चाहूँगा सरकार के द्वारा और अपने प्रशासन के द्वारा कि इनकी व्यवस्था की जाए और इनके लिए जो हो सके सरकार के द्वारा कर सके वो तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम अमित आनंद है। उनके बेटे हैं, वो भी लाचार हैं और किसी तरह मजदूरी करते थे पहले, लेकिन अब इनकी माँ बीमार है, इनके साथ वो रह रही है, उनकी सेवा कर रही है, इससे भी हम बात करेंगे। अब कुछ कुछ खराब रहता है शरीर से, कमजोरी। पटना भेजा गया है, कैसे जाइए? पटना के लिए बाबू साधन तो करने पड़ेगा। ऐसा है नहीं, पैसा उतना कहाँ से लाएं? कागजात, जो कागजात चाहिए है, आधार कार्ड या कोई कागज है? नहीं कागज नहीं, बरसा पानी में गल गया, कुछ नहीं जी नहीं। तो फिर कैसे अभी फिलहाल चल रहा है घर आपका? इधर उधर से कुछ झोंका बढ़ते हैं, उधर तो कर देते हैं, फिलहाल चल जाता है, दो वक्त का रोटी आ जाता है। क्या है अपील सरकार से, क्या मांग करते हैं? अपील से सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि कैसे इलाज हो जाए, करके खड़ी हो जाए मेरी माँ। ये उनके बेटे का दर्द है कि किसी तरह सरकार उनको देखे और उनका इलाज करवाए और वो फिर से पहले की तरह चल सके और किसी तरह कमाई करके ये घर चल सके। और भी महिलाएं हैं इस मोहल्ले की, हैं इनसे भी हम बात करते हैं। कैसे आप लोग इनको देखते हैं, कब से ऐसी हालत है? इनको जो है सो 4-5 महीना से ऊपरे हो गया होगा, कम नहीं हुआ होगा। छोटा सा गुड़ा हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते जो है बड़ा हो गया। हम लोग भी मदद किए हैं, इनको डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वहाँ भी बोला कि जो अच्छा बीमारी नहीं है, खराब बीमारी है। फिर ये लोग मायागंज गया, मायागंज में भी वहाँ पर मैं डॉक्टर बोल दिए जो कैंसर है, सो पटना जाने के लिए, पटना जाने के लिए इसको ने कागज उगज है कुछ नहीं है, आधार कार्ड सभी गल गया, पानी उनी पड़ा गल गया,
आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कैसे जाएगा खाने के लिए, तो इसको कुछ है नहीं, जिसको जो होता है कोई कुछो दे देता है, तो किसी तरह न रहता है, न घर है, न कुछ है, किसी तरह इसका माय ठीक हो जाए, जद्दू का माय ठीक हो जाए। हम लोग का मोहल्ला में रहता है, दर्द होता है, बेचारी रोती है, अच्छा नहीं लगता है, पड़ोस में है हम लोग, बहुत इसको देख करके कष्ट होता है। तो सरकार से यही हम लोग का अनुरोध है, इसको मदद करे, इसको इलाज करवावे, इसके जैसा पूरा भागलपुर में हमको लगता है कि जो कोई गरीब नहीं होगा, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, ऐसा गरीब कोई नहीं होगा। इधर युवाओं ने बिमला देवी का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने वीडियो देखकर संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को मौके पर भेजा। टीम ने जांच कर सिविल सर्जन को जानकारी दी है। हम लोग के यहाँ भी फंड रहता है, हम लोग के यहाँ भी फंड रहता है, उस फंड से हम लोग उसको पैसा दिलवाएंगे, और जब पहले जाँच कर हम लोग कन्फर्म तो हो जाए कि हाँ ये यहाँ का कैंसर है न। सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने बताया कि शाम तक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट से कंफर्म कराकर कहां कौन सा कैंसर है उनको ये जानकारी लेकर यथासंभव सरकारी मदद की जाएगी। के बेटे को सुना, हम ऐसी स्थिति नहीं कि उनके माँ से हम बात कर सकें, क्योंकि वो रो रही हैं और काफ़ी बीमार हैं, बेड पर हैं, और घर के हालात आप फिर से दिखाएंगे आपको। ये बांस बल्ली डालकर एक चौकी है वहाँ पर, वो रह रही हैं, बीते 4 महीने से 5 महीने से ये बीमार हैं, ये हालात काफ़ी बदतर है, और ये घर जो है इनका अपना भी नहीं है, ना ये ज़मीन इनका अपना है, मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पे बसाया है, मोहल्ले के लोग जो हैं यहाँ पर इनको भोजन करा रहे हैं। हमारी भी अपील है सरकार से, सामाजिक लोगों से, और जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अपील है हमारी कि इनको मदद करें, जिस तरह और अन्य लोगों के लिए आप, समाज के लोगों के लिए आप आगे आते हैं, करोड़ों मदद करते हैं, लाखों मदद करते हैं, उसी तरह इस महिला के लिए भी आप आगे आएँ और इस गंभीर बीमारी से इन्हें छुटकारा मिले, ऐसा काम करें। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।